छोटे तुम ही आ आज आवाज नहीं आ रहा बताओ बताओ वायरल कर दे रहा हूं बोले यहां कोई तो बाबू का ध्यान दीजिएगा मां जो निकल के मांग करे हां करके हे ओम आद्य प्रणोचार्य नाम दूत बोलिए नाम दूत दीन बुधवार से द्वितीया कथा अहम करोति। एक बार नीमिष रनाय के निवासी ऋषियों ने संसार के कन्यार्थक सूत जी से पूछा, हे सूत, कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घवायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी सुकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए व्रत किया तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी माता उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और अश्वधामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर जब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रौपद के पास गई और उसने द्रौपद से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घवायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। द्रौपद बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले, सत्याचरण करने वाले समादर्शी जीवित वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे, मुझ बुढ़ापे माँ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवित वाहन का तो मन हृदय विदोहन हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारे बेटे कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, करोड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसे कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाएं अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अच्छा अपना नाम जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरे मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवान मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हो तो वर दीजिए कि अपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यह बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहां जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। द्रौपदी ने कहा कि पक्षीराज, जरूर राजा को वरदान लेकर स्वयं अमृत को अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन बड़े मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा